अल्लाम दोस्तों मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज के वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप को समझ में आ सके कि आपने बैंकिंग के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं तो उससे पहले हमारी जो आज के दिन की अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ तो जिन सिग्नल के अंदर अचीवमेंट थी वो हमारे सारे प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल थे और उनमें से कुछ सिग्नल मैंने इस चैनल के ऊपर भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शेयर किए थे तो जो लोग मुझे फॉलो करते हुए आरोप

मारी पेट्रोलियम के अंदर तो बाइंग थी चौबीस पचास के ऊपर इस, इस चैनल के ऊपर भी मैंने सिग्नल शेयर किया था तो बाइक थी हमारी चौबीस पचास रुपए के लगभग और फाइनल टारगेट था अठाई सौ अट्ठाईस सौ रुपये का जो कि आज के दिन ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका है इसके अलावा जो हमारी अचीवमेंट होती है वो मैं चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट के अंदर शेयर करता रहता हूँ तो वहाँ से आप जाके आइडिया ले सकते हैं कि हम प्रीमियम ग्रुप के अंदर किस तरह काम कर का रहे होते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बैसल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें जिनके अंदर रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमम सा हो और एक्सपेक्टेड गेंद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जैसे कि अचीवमेंट्स के अंदर मैंने शेयर किया है तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिए आप वन टाइम छः हज़ार पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं जिसके बाद आपको इंशाल्लाह किसी भी प्रीमियम ग्रुप की जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो या फिर दोनों सर्विसेज एट अ टाइम अवेल करनी हो तो जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सकता है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इनकी जब डिटेल्स ले सकते हैं तो भी हम शेयर की तरफ बढ़ते हैं जिनके अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज नज़र आ रही हैं तो पहला शेयर जो है वो हमारे पास मैपल लीव सीमेंट कंपनी लिमिटेड सीमेंट सेक्टर का शेयर है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मैंने जहाँ पे मेंशन की हुई हैं फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इस, इस जो है स्क्रीन का सहारा जब ले सकते हैं तो चार्ट्स के ऊपर हम चलते हैं क्योंकि चार्ट ही हमें एग्जैक्ट लेवल्स बताते हैं कि हमने बाइंग और सेलिंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है तो MLCF हम एम एल सी एफ को अगर हम चार्ज्स के ऊपर देखो और इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है अप ट्रेंड का जो इसने आगाज़ किया था वो था उन्नीस रुपये से इसकी प्राइस उठी थी और बयालीस रुपये का इन्होंने हाई लगाया था उसके बाद प्राइसिस जो वो एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर चली गई थी जिसमें रजिस्टेंस की बात करें तो वो थी हमारे पास साढ़े सैंतीस रुपये की जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस थी लेकिन अगर आज के दिन की हम क्लोजिंग देखें तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो साढ़े अड़तीस रुपये के ऊपर दी है तो यानी एक रुपया ये ऊपर क्लोजिंग दे चुका है काफी स्ट्रांग कैंडल बनी थी बाद में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था बट फिर भी ये इस रिजिस्टेंस लाइन का जो ब्रेक है ब्रेकआउट कर चुका है अब अगर आपने पहले फर्दर कन्फर्मेशन की बात कर लें तो प्राइस ब्रेकआउट कर चुकी है आपने रेजिस्टेंस का यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर चुकी है इस फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट कर चुकी है प्राइस 50 ई एम ऊपर है वॉल्यूम्स को अगर हम देखें एवरेज वॉल्यूम चार मिलियन का था जबकि आज के दिन चौबीस मिलियन का लगा सिक्स टैंड जो जा वॉल्यूम ज्यादा लगे मैगडी ने भी हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है आर एस सी जी है वो भी पुलिस जोन के अंदर है तो ये सारी चीजें अब हमें इसमें बाइंग रिकमेंड कर रही हैं तो बाइंग के लिए आप जो है

ट्रेड गेंद नजर आ रहा है रिस्क टू रेशियो की बात करें तो वो तीन के यानी एक सेफ ट्रेड हम इसको कंसिडर जो है वो कर सकते हैं तो ये जो है एक चार्ट फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हमने एक टारगेट जो है एस्टिमेट किया बाकी अगर ये अपना ट्रेंड जो है वो सस्टेन करता है तो जो लोग इसको समझे कि जरा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो वो इसके अंदर इनको इससे भी जो है काफी ज्यादा जो है इवन डबल ट्रिपल भी जो है वो प्रॉफिट इसके अंदर मिल सकता है तो मेपल लीव के बाद अगर हम नेक्स्ट शेयर की बात करें जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो ये भी सीमेंट सेक्टर का शेयर है डेरा गाजीहान सीमेंट कंपनी लिमिटेड तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो मैंने यहाँ पे मैंशन की हुई है तो जो है इसकी फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं चार्ट्स के ऊपर देखें इसको तो जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ चार्ट तो डी जी केसी को चार्ट्स के ऊपर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है तो अप ट्रेंड का आगाज़ इसने किया था तकरीबन उनतालीस रुपये से और जो इसने हाई लगाया था तिरासी रुपये का लगाया था उसके बाद प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन जोन के अंदर चली गई थी और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने जो है डबल बॉटम फार्मेशन जो है वो बनाई है चैनल फार्मेशन कह लें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कह लें या डबल बॉटम फार्मेशन कह लें इसका इसने ब्रेकआउट किया है जिसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी सेवेंटी थ्री पॉइंट फोर सेवन की और आज के दिन की अगर हम इसकी क्लोजिंग की बात करें तो वो 73.96 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है तो यानी सक्सेसफुली इसका ब्रेकआउट कर चुके आपने रेजिस्टेंस से भी ऊपर आ चुके और इस फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट कर चुका है फर्दर कॉन्फिर्मेशंस की बात करें प्राइस 50 EMA से ऊपर आ चुकी है नीचे अगर वॉल्यूम्स को देखें एवरेज वॉल्यूम तीन मिलियन का था जबकि आज के दिन तेरह मिलियन का वॉल्यूम लगा है तो चार गुना वॉल्यूम जो है वो इसके अंदर तीन चार गुना वॉल्यूम भी ज्यादा लगे हैं है, है। मैगडी ने पॉजिटिव क्रॉस ओवर जनरेट किया हुआ है और हिस्टोग्राम भी काफी स्ट्रॉन्ग बना है और आर एस सी जो है वो भी स्ट्रॉग बुलिस जोन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर बाइंग ही कन्फर्म जो है वो कर रही है कि इसके अंदर बाइंग की जाए अब अगर आपने बाइंग करनी है तो बाइंग करेंगे आप सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री से लेकर सेवेंटी नाइन पॉइंट नाइन सिक्स नाइन सिक्स इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे जो इसका शॉर्ट टर्म के लिए फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास होगा सेवनटी एट रुपीज के अराउंड और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है जो कि इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस के लगभग है वो हमारे पास तकरीबन एट्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव के लगभग बनता है एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो चौदह पंद्रह परसेंट के लगभग एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो टू पॉइंट फाइव का रिस्क टू रिवार्ड यानी अच्छी एक ट्रेड हम इसको कंसिडर कर सकते हैं तो ये जो इसका मैंने टारगेट दिया ये दोनों शेयर्स के अंदर स्विंग ट्रेड के लिए हैं बाकी अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना चाहें तो इनका क्योंकि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है आप ट्रेंड के अंदर हैं तो आपको ये लॉन्ग टर्म के अंदर इवन जो एक एस्टिमेटेड आपको एक्सपेक्टेड गेंस बताए हैं तो इवन इनसे भी जो जा है बहुत ज्यादा आपको जो है इसके अंदर जो गेंद मिल सकते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें अपनी भी रिसर्च करें अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दें तो डेफ़िनेटली जो लेवल्स बताएं उन लेवल्स के ऊपर आप इनमें जो ट्रेड्स कर सकते हैं तो होपफुली आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली उसको ज़रूर लाइक करें दोस्तों के साथ भी शेयर करें चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाइल के सिग्नल आप लोगों को मिलते रहें जिनके अंदर जो है वो रिस्क बिल्कुल मिनिमम हो और एक्सपेक्टेड गेन बहुत ज़्यादा हो जैस जैसा कि अचीवमेंट मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर दिखाई थी तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इनकी जब डिटेल्स दे सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में